स्थिर करो काम चुना चलिए प्यारे बच्चों तैयार हैं हम लोग। हम लोगों को याद होगा कि पिछले दिन हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू किए पढ़ने के लिए। सैटरडे को पढ़े थे हम लोग और उसमें ये पढ़े थे संधारित्र की के प्रकार के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे, जिसमें तीन तरह का कैपेसिटर हमको देखने को मिला था। कौन कौन था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र, और तीसरा पढ़े थे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। याद है आपको? अब हम बच्चों को वहाँ से आगे बढ़ना है और तीनों की में पढ़ना है कि तीनों का कैपेसिटेंस के लिए स्पेशल फार्मूला होता है, लेकिन इन तीनों का एक कॉमन फार्मूला है जो आप लोगों ने पिछले क्लास में सुन चुका था, और वो है कैपेसिटेंस सी बराबर क्यू बाय वी। क्यू है गिवेन चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर। तो ये दो कंसेप्ट हमको याद रखना है कि मैंने कितना चार्ज दिया कलेक्टिंग प्लेट को, वो हमें खोजना पड़ेगा, और दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये दो चीज़ खोजेंगे, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, तीनों कैपेसिटर का अलग अलग फार्मूला हमें मिल जाएगा। तो चलिए पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या तैयार हैं आप लोग? शुरू कर दें? चलिए, नहीं भी बोलिएगा फिर भी करना है, लेकिन आप लोग कर दिए तो अच्छी बात है। तो चलिए, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और लिखने के साथ लिखूँगा 2023 में अब आप इसको कितना ध्यान से सुनिएगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये लाइन देखने के बाद आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। तो आप लोग का कान खड़ा हुआ कि नहीं? हाँ, कान के साथ दिमाग भी खड़ा हो गया सर। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग फाइंड द एक्सप्रेशन लिखना शुरू कर दीजिएगा फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर और फ्री स्पेस। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में क्या समझेंगे? हवा के साथ समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक सूत्र प्राप्त करें। यह आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, बहुत सारे बच्चे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिख रहे हैं,
आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलिए, जब क्वेश्चन पूछने कहेंगे तो हैंड को इरेज कीजिएगा, उसके पहले एकदम स्थिर से बैठे रहिए। टिपिर टिपिर का आवाज आता है, डिस्टर्ब होता है। अब देखेंगे गौर से, यहां पर कह रहा है कि हवा के साथ, ये लाइन को गौर करना है, विथ एयर। मतलब हम बच्चे लोगों ने पिछले क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फिगर को देखा था, जिसमें यह देखा गया था कि दो प्लेट होता है हमारे पास, दोनों प्लेट समतल होता है और एक दूसरे के समांतर होता है। दोनों प्लेट के एरिया सेम होते हैं और दोनों पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा सिग्मा, वह भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों प्लेट को एक दूसरे से डी दूरी पर रखा जाता है, डी आपका हो जाता है डिस्टेंस हो जाता है, और यहां से इस प्लेट का नाम पी दीजिए, इसका नाम क्यू दीजिए। प्लेट पी पर हम चार्ज देते हैं प्लस क्यू चार्ज देते हैं इसको, और सेकेंड वाले को अर्थ से जोड़ते हैं, भूद्रित करते हैं, अर्थ कर देते हैं। इतना बात हम लोगों ने सुन लिया था, तब उसमें देखा जाता था इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और अमाउंट का चार्ज का अमाउंट था क्यू, और उसके सामने दूसरा प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और उस पर चार्ज माइनस क्यू हो जाता है। इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी वोल्ट मानते हैं। दोनों प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिसमें इंटेंसिटी का दिशा पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर होता है, और किसी भी बिंदु पर यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी बिंदु पर इंटेंसिटी का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद है, पिछले दिन आपको दिखा दिया गया है। इस प्लेट को हम लोग कहे थे, याद होगा आपको, कलेक्टिंग प्लेट। क्या कहे थे? कलेक्टिंग प्लेट इसको बोले थे। हिंदी जानते हैं आप लोग, हिंदी में लिखेंगे, इसको कहते हैं कंडेंसिंग। कंडेंसिंग प्लेट इसको बोलते हैं, संग्राहक गोला, ए पट्टिका। इतना चीज हम लोग देख लिए, अब फटाफट हम लोग कह सकते हैं, दो चार बात इसके बारे में लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज चित्र जब साफ साफ बना देते हैं तो बोर्ड एग्जाम का कहना है कि आपको वर्णन करने का जरूरत नहीं है, स्पष्ट चित्र बना दिया कीजिए। तो यहाँ पर से हम लोग कह देंगे प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ
ईच प्लेट इक्वल होगा और उसका मान होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज चार्ज पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। हिंदी क्या हो गया, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो यहाँ पर हम बच्चे आपसे पूछेंगे, चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट, हिंदी हो गया संग्राहक पट्टिका पर आवेश, संग्राहक पट्टिका पर आवेश कितना हो जाएगा। तो माय डियर बच्चों जवाब होगा क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। यह इक्वेशन नंबर एक बना के इसको आप छोड़ दीजिए। तो चार्ज कितना दिया, Q बराबर सिग्मा इंटू ए, एक स्टेप पार कर दिया मैंने। हमें दो चीज़ कैलकुलेट करना पड़ता है, कलेक्टिंग प्लेट पर दिया गया चार्ज का अमाउंट सिग्मा, चार्ज Q का मान, तो Q बराबर हो गया यहाँ पर सिग्मा इंटू ए। दूसरा चीज़ यहाँ पर से जानना चाहिए, दोनों प्लेट के बीच, कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, ये मुझे खोजना है। तो चलिए यहाँ तक आप लिख रहे होंगे, जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद मेरा कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, गर्मी बहुत कम है। अब मैं आपसे बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कंडेंसिंग एंड कलेक्टिंग प्लेट, तो हम लोग यहां पर कहेंगे तो इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे संग्राहक एवं संघनक पट्टिका के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट,
जहां पर हम बच्चे बोल पाएंगे, ऑप्शन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर बोल देंगे चलेगा कम। क्या इसको हिंदी में लिखना होगा? चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। जहाँ एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट्स के बीच हवा या मुक्त आकाश का प्रावैद्युतता है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ था एक बात, हवा के साथ समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा कि दोनों प्लेट के बीच में वहाँ कौन सी है, एयर है या फ्री स्पेस है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें गौर से, यहाँ पर जो है इसके बीच में आप क्या मान के चलेंगे, एयर है। ऐसा मान कर चलेंगे दोनों के बीच में एयर है, तब हम लोग परमिटिविटी निकाल रहे हैं। अब जैसे दूसरा मीडियम लाएंगे तो जो अभी हम लोग कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं, उस कैपेसिटेंस का वैल्यू दूसरे मीडियम को डालने से बदल जाएगा। तो वो कैसे बदलेगा, वो भी इक्वेशन आने पर एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। अब इसके बाद हम बच्चे लोग यहाँ पर देखेंगे कि सर हम लोग ये देख रहे हैं कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज वी एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज स्मॉल डी। यदि दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी डी हो तथा विभवांतर भी हो तो हम लोग क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर देखोगे, हम लोगों ने अपने लाइफ में सुना था रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, तो वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा ई इक्वल टू वी बाय डी। किस कंसेप्ट पर इसको लिखा गया है आपको पिछले क्लास में चर्चा किए होंगे, एक बार फिर कर देते हैं। कोई भी पॉइंट सोर्स चार्ज है, ध्यान देना गौर से, पॉइंट सोर्स चार्ज के कारण r दूरी पर पोटेंशियल भी होता है। तो उस भी का मान आपको याद है 1/4πε0 × Q/r। और उसी बिंदु पर इंटेंसिटी बात करें तो इंटेंसिटी बराबर होता है 1/4πε0 × Q/r². यदि डिस्टेंस को मैं डी लिख दूं, तो यहाँ पर डी लिखने होंगे और यहाँ पर डी स्क्वायर लिखना होगा। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, 1/4πε0 × Q/d × 1/d लिख सकते हैं कि नहीं। तो यह चीज़ तुम्हारा भी हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं आराम से कहूँगा यहाँ पर E = V × 1/d होगा कि नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पर आपको लिखा गया है। तो जब E = V/d आपने लिख लिया, तो यहाँ से मैं आपको कहूँगा, अरे बाबू बताओ पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना होगा। आपका जवाब होगा E × d। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो ये V = E × d
हम लोगों ने देख चुका। चलिए हो गया। चेंज करूं आगे। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर दोनों प्लेट के बीच कितना था, भी बराबर आपने लिखा अभी तुरंत ई इंटू डी। कुछ देर पहले आपने ई को लिखा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा था क्या, और इंटू डिस्टेंस हो गया डी। कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पर से ये फाइनल इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है। अब इसका उपयोग हम लोग आगे करेंगे। तब मैं लिखने जा रहा हूँ कैपेसिटेंस, ध्यान देना गौर से, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीन्स हम लोग कह देंगे हवा के साथ समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता सी नॉट हो। हवा के साथ सी नॉट लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फार्मूला में पढ़े हो बेसिक परिभाषा, C इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सिंबल में आप लोग लिखे थे C नॉट इक्वल टू Q बाय V। आपने Q भी निकाल चुका है सिग्मा इंटू A, याद कीजिए कहीं पर आपको है, मैं चेंज करके दिखाना पड़ेगा, याद है, याद है। और जस्ट यहाँ भी बराबर आपको दिख रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सिग्मा सिग्मा आपका कैंसिल हो जाने का चांस में है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी। ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया जो आपने यहाँ पर लिखा कि सर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यही आपका जवाब हो गया सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी। जहाँ पर आपको ए मालूम है कि प्रत्येक प्लेट का एरिया है और दोनों प्लेट का एरिया आपस में इक्वल होता है, और डी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो ये अब इक्वेशन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। चलिए हम इस इन्फॉर्मेशन को नोट करके एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं। चेंज करूं, तीन ही टर्म आपके पास है। एप्सिलॉन नॉट कब बदलता है मालूम है, दोनों प्लेट के बीच के मीडियम को बदल दीजिए। इसका मतलब मैं कहने के लिए तैयार हूं गुरुजी कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, बोल सकते हैं। दूसरी बातें डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन
टू प्लेट्स, तीन बात पर डिपेंड करेगा। तो आपके सामने छोटा सा प्रश्न आ जाएगा टू मार्क्स का। क्या प्रश्न आ जाएगा, गौर से देखिएगा। प्रश्न आ जाएगा आपका कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, मीडियम, एरिया एंड डिस्टेंस। बोल सकते हैं तो तेजी से, चलिए इन तीनों को हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं आराम से। समांतर पट्टिका संधारित्र संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। सर सीधा सीधी बात फटाफट लिख देंगे। नंबर वन में एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट पट्टिका का क्षेत्रफल। तो आप लोगों ने देखा कि सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी, यानी देखा था। चलो बहुत ध्यान से देखना, सी नॉट का यूज कब किया था मैंने, जब दोनों प्लेट के बीच फ्री स्पेस हो या हवा हो। ये बात मन में है ना, जैसे सी नॉट देखिएगा मन में फीलिंग आ जाए ओ दोनों प्लेट के बीच में मीडियम एयर है, तब मैंने लिखा सी नॉट। और जैसे दूसरा मीडियम आएगा तो वहाँ सी नॉट वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिंपल सी लिखेंगे, सी डैश लिखेंगे, सी टू लिखेंगे, लेकिन सी नॉट नहीं लिखेंगे। जहाँ जहाँ सी नॉट हुआ मन को समझा देंगे कि दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर है। वेरी गुड। तो यहाँ पर कह रहा है कि एरिया ऑफ प्लेट पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज ना लिखेंगे, डायरेक्ट इसको सिंबल में लिखेंगे। तो यहाँ पर पता चलेगा सी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। हाँ या ना, जल्दी बोलिए। सर यदि मीडियम को कांस्टेंट कर दिया जाए, डिस्टेंस को ना बदला जाए, सिर्फ प्लेट के एरिया को बदला जाए, तो वहाँ पर लिखना होगा सी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए हो गया एरिया ऑफ प्लेट। तो ये लाइन हमको बताती है कि सर सी नॉट डैश बाय सी नॉट डबल डैश इक्वल टू ए डैश बाय ए डबल डैश। बोल सकते हैं कि नहीं, यहाँ स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। एरिया को मैं इंक्रीज करता हूँ, एरिया इंक्रीज करूँगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एरिया को डबल करता हूँ तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही सेंस होता है। चलिए इसमें अब ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, अधिक से अधिक से ऑब्जेक्टिव आएगा, आप लोग जवाब दे दीजिएगा। दूसरा नंबर है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच की दूरी, तो इसके बारे में हमारा सेंटेंस बनने वाला है कि कैपेसिटेंस
ध्यान देना गौर से, डिस्टेंस बदल रहे हैं, मीडियम नहीं बदल रहे हैं, एयर का एयर है, तो कैपेसिटेंस सी नॉट का जो मान है वो डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। डिनोमिनेटर में है वहाँ से स्पष्ट हमको पता चल जाता है, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कैपेसिटेंस सी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये लाइन हमको बहुत ज़्यादा बुद्धि खर्च नहीं करना है, इस लाइन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर यदि डी तुम्हारा डिक्रीज होगा, ध्यान देना गौर से, डिक्रीज करेंगे तो सी नॉट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, डबल। यदि डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस लाइन के मदद से मैं कह सकता हूँ सी नॉट डैश बाय सी नॉट डबल डैश बराबर डी डैश डी डबल डैश बाय डी डैश। उल्टा होगा कि नहीं होगा, चलिए इस बात को ध्यान देंगे। अब उसके बाद हमारे पास टर्म आता है मीडियम। अभी तक दोनों केस में मैंने मीडियम नहीं बदला है, तो दोनों समय में यह मान के चला है कि मेरा ये हवा में है, दोनों प्लेट के बीच हवा में है, हवा है, तो सी नॉट लिखा है। अब मैं उस मीडियम को ही बदलने जा रहा हूँ, तो वहाँ सी नॉट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग चेंज करूँ पेज को, वारे बहादुर। नंबर थ्री में आपका है मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का माध्यम, चलिए यहाँ पर हम लोग आराम से कहेंगे। अब जब माध्यम ही बात कर रहे हैं तो ये तो डिफिनिट नहीं है कि वहाँ पर हवा होगा ही, कोई भी माध्यम सोच सकते हैं, तो वहाँ पर सी नॉट वर्ड यूज नहीं करेंगे, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। तो मीडियम का परमिटिविटी इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने का जरूरत नहीं है। तब इससे हमें क्या मिलने जा रहा है, यहां से हमें मिलने जा रहा है सर C1 बाय C2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2। अब ये 1 और 2 का मतलब हो गया मीडियम 1 मीडियम 2, 1 2 का मतलब क्या कहेंगे, मीडियम 1 मीडियम 2। जब कोई मीडियम 1 है तो कैपेसिटेंस C1 है, मीडियम 2 लेंगे तो कैपेसिटेंस C2। तो जब मीडियम 1 होगा इन मीडियम 1 हो गई, मीडियम 1 एयर, मीडियम 1 को मैं हवा मान लेता हूँ, तो प्यारे बच्चों आप C1 को कह देना C0, क्या कह देना C0, और एप्सिलॉन 1 को कह देना एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ एयर है तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है 1, तो एप्सिलॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0। क्लियर। फिर कहेंगे इफ मीडियम 2 इज एनी अदर मीडियम, हवा छोड़कर कुछ भी सोच लें, कोई भी मीडियम सोच लेंगे, तो वहाँ पर C2 को हम लोग C- मान लेते हैं और एप्सिलॉन 1 को एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर कहेंगे, और यहाँ पर कहेंगे एप्सिलॉन आर इज नॉट इक्वल टू 1, मीन्स एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। बोलोगे कि नहीं, इस बार एप्सिलॉन आर को ख़त्म नहीं करेंगे।
तब आप उस फार्मूला को यूज करोगे, C1 by C2 equal to epsilon 1 by epsilon 2, तो आपको मिलेगा C0 by C dash is equal to epsilon 0 by epsilon 0 into epsilon R. तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा, epsilon 0 कैंसिल हो जाता है, तो C dash is equal to कोना कोनी गुना करोगे epsilon R into C0, या आप कहो तो ऐसे भी कि C नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मीडियम बदलते जाओगे, एप्सिलॉन आर का वैल्यू बदलते जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू बदलेगा, तो यह भी बदलेगा, और यह C नॉट तो तुम्हारा अब हवा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बदलेंगे, C डैश भी बदलते चला जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, एप्सिलॉन आर का मान 2, तो कैपेसिटेंस का मान हवा के लिए जो मान हुआ था उसका डबल हो जाएगा, तो हवा के साथ कैपेसिटेंस सी नॉट जितना रहेगा, एप्सिलॉन आर टू तो दुगुना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर थ्री तीन गुना हो जाएगा, एप्सिलॉन का मान 4 तो 4 टाइम्स हो जाएगा, इस तरह से कैपेसिटेंस का मान इंक्रीज करेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्लियर दिखता है, किसी भी लोगों को एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा है तो यहाँ पर डायरेक्ट कहेंगे सी डैश ग्रेटर देन सी नॉट, मतलब पहले प्लेट कैपेसिटर में जब हवा है उस समय के बाद कोई दूसरा मीडियम जैसे डालेंगे कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि पहले प्लेट कैपेसिटर के बीच के हवा को हटाकर कोई दूसरा मीडियम डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, नन ऑफ दिस, जवाब दे देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया आप लोगों का। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए, एक टॉपिक खत्म हुआ, ये टॉपिक आपको 5 नंबर देगा तो देगा किसी भी सूरत में, इसी के गोतिया का एक नाम है, हेलो सुनने के लिए रेडी हो जाइए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अभी हवा था, अब कहा कि सर हवा हटा के कोई मीडियम डालेंगे तो वहाँ पर कैपेसिटर का सिम्बॉल क्या हो जाएगा, सी डैश, सी डैश बराबर जगह सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जो भी मीडियम बीच में डालिएगा उसका एप्सिलॉन आर मालूम होगा कि नहीं, उस एप्सिलॉन आर के मान से सी नॉट को गुना कर दीजिएगा, उस कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस निकल जाएगा, होगा या नहीं होगा। चलिए अब फिर से जरा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अब आपका जो प्रश्न होने वाला है दो प्लेट के बीच में, ध्यान से देखिएगा मन लगाइएगा, तो ढेर स्पेशल बात पढ़ाएंगे, अन्य तो कहेंगे हो गया अब दूसरा पढ़ो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में सिर्फ हवा था तो ये देख लिया, हवा हटा के कोई दूसरा मीडियम पूरे प्लेट के बीच में दे देंगे तो यह स्टेप आएगा, जल्दी बोलो
इसका मतलब सी डैश का फॉर्मूला कंप्लीट रूप से कोई लिखने कहेगा तो हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाय डी। जल्दी बोलिए, है ना। लेकिन स्थिति आपके सामने क्या होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इतना मोटा एगो और प्लेट रख दिया कांच का, इतना मोटा प्लेट माइका का रख दिया, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या है, याद है डाइलेक्ट्रिक समीकरण पढ़े हो, चालक कुचालक और चालक और प्रावैद्युत डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है कि नहीं है। तो वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कोई प्लेट बीच में रख दिया जाए तब कैपेसिटेंस कितना होगा। अगला क्वेश्चन वही होगा, वो भी क्वेश्चन पांच नंबर का आता है, वो क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% गारंटेड हो जाएगा। तो मिलते हैं 23 घंटा के बाद। ओके, बाय बाय।